हेलो रिवन, कैसे आप लोग सभी के सभी। आई होप सो सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट की अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर होती रहे। आज जैसे आप सबको पता था कि IBPS क्लर्क फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे एक IBPS क्लर्क के एग्जाम में चेंज देखने को मिला है पिछली बार के कंपैरिजन में। जैसे IBPS PO ने अपने एक शिफ्ट में डिफरेंट डिफरेंट सेट रखे थे, चार सेट पांच सेट करके क्वेश्चन आ रहे थे, एज इट इज सेम इस बार IBPS क्लर्क में भी आ रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम में 10 सिंप्लीफिकेशन 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आ रहे हैं, तो किसी के एग्जाम में 15 सिंप्लीफिकेशन और 5 मिसिंग नंबर सीरीज भी आ रहा है। किसी का प्रोडक्शन पे बेस्ड DI था तो किसी का एक सेल्स पे बेस्ड DI आ रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेट आ रहे हैं, बट पेपर का लेवल बहुत ही आसान है। 15 से 20 नंबर आपके स्पीड मैथ से आ रहे हैं, एक DI आ रहा है जो कि बहुत ही इजी लेवल का है और अर्थमेटिक भी बहुत ही आराम से डुएबल है। तो दो तीन बच्चों से जैसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में उन्होंने 30 किसी ने 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया। तो एक यही चेंज है कि IBPS PO की तरह IBPS क्लर्क के भी शिफ्ट पे में डिफरेंट डिफरेंट सेट करके पेपर आ रहे। तो ये मत देखना कि अगर आप रिव्यू चेक कर रहे हो किसी ने आपको बता रखा है कि रॉन्ग नंबर सीरीज है या फिर किसी ने बता रखा है कि मिसिंग नंबर सीरीज है तो डिफरेंट डिफरेंट सेट आ रहा है, इसीलिए कोई गलत रिव्यू आपको पोस्ट नहीं कर रहा। तो जैसे ही क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, आज सुना जितने भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर पाऊंगा, कुछ बच्चों से बात हो रही है अभी जिनके पास क्वेश्चंस हैं, तो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आए भी है, बट आई एम वेटिंग कि 10-15 क्वेश्चन एक बार में आ जाओ और फिर अपन रिव्यू कर, अब सारे के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। तो मिलता है जैसे ही क्वेश्चन मुझे मिलता है। सी यू देयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर लो।